ग्राम कलवाना में जमीन विवाद पर हुआ झगड़ा। भाई ने अपनी बहन और भांजे की पिटाई की और ट्रैक्टर चुराने की कोशिश की। घायल लोग बयान में तो कह रहे हैं ट्रैक्टर चढ़ाया है, वहीं पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया। पूरा मामला है पिता की जमीन का, जो पिता ने मृत्यु पूर्व अपनी जमीन में से आधी जमीन अपनी दोनों बेटियों के नाम की थी। बची जमीन में फिर दोनों बेटी और बेटे को दी, जिसका बंटवारे का विवाद है। कब्जे को लेकर यह वारदात हुई। कब्जा दिलाने के लिए पहले भी कोर्ट से जीतने के बाद तहसील के चक्कर लगा रहे हैं तहसील के पटवारी, बंटवारा करने को तैयार नहीं है। वहीं रैटी पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। रैटी से बलराम से सोडिया की रिपोर्ट। हमारे खेत में सुरेश ने और गणेश ने और खेलपुत्र गार्ड ने हमला किया, हमला कर ट्रैक्टर चढ़ाया और मारे लटकी चंडा की। ये किन किन जिनके चार लोगों के नाम बताए उन लोग, ट्रैक्टर कौन कौन पे चढ़ाया उन्होंने? ट्रैक्टर चढ़ाया है सुशीला भाई, सुमेर, उमेश और माखन सिंह। अच्छा, ये लोगों को गंभीर चोट आई है ना? गंभीर चोट आई है सुमेर सिंह को और सुशीला भाई को। जमीन आपके नाम है? जी, हमारे सर के नाम पे है और मोदी के नाम पे है। उसके नाम से बिल्कुल भी नहीं है जमीन। कुल मिला के आज आप लोग जमीन पे गए थे तो उन लोगों ने आप लोगों पे हमला कर दिया? हम पे तो जानलेवा हमला किया, अगर नहीं बचते तो हमको मार डालते। सर, ये आज कलवाना में ट्रैक्टर चढ़ाने वाली घटना हुई है, मारपीट हुई है, उसके बारे में जानकारी बताइए। बलराम पिता राधेश्याम बर्खने जो है सेमी रतनपुर के रहने वाले हैं, इनके इनकी खुटी जमीन और इनके मूसा माखन सिंह इनकी जमीन जो है संयुक्त रूप से कलवाना में है और इनके मामा सुरेश वर्मा हैं, इनकी भी जमीन कलवाना में है। इनके दोनों का हिस्सा बंटवारा को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है। आज जो इसी बात पर से बदाम बर्फ ने रिपोर्ट किया कि मेरे मौसा माखन सिंह की मवेशी मेरे खेत पर आ गई थी, खेत कारण मैंने उनको बोला कि तुम मवेशी यहाँ ले आते। इसी बात पर से सुरेश वर्मा और उसके लड़कों ने इनके साथ मारपीट की और एक लड़का ट्रैक्टर लेके इनके पीछे दौड़ा। ट्रैक्टर चढ़ाया भी है क्या सर इसमें? नहीं, ट्रैक्टर चढ़ाने वाली बात ऐसी नहीं आई है, ट्रैक्टर चोटे आना बताया है। इसके अलावा इन पर मारपीट का मुकदमा कायम किया गया है। आरोप पक्ष में सुरेश, नितेश वर्मा, गणेश वर्मा, राजेश वर्मा और अमरावती वर्मा। इसी प्रकार से राजेश पिता सुरेश वर्मा की रिपोर्ट पर से आरोपी उमेश माखन सिंह सुशीलाबाई एवं अन्य के खिलाफ मारपीट का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें भी इनका कहना यह है कि जो बदाम बथने हैं इन्होंने बकरी जाने की बात पर से मेरे साथ गाली गुफ्तार किया और घर वालों के साथ मिलकर के मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दिया। दोनों के पक्ष में मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।